हाय गाइस, वेलकम टू बर्निंग व्हील्स। माय नेम इज साकेत और आज हम लोग देखने वाले हैं कि टाटा की वो कौन सी गाड़ी है जो टाटा लॉन्च करने वाला है इस साल के एंड तक। पांच एकदम धमाकेदार एसयूवीज टाटा ने लाए, तो जो पूरा फेस्टिव सीजन है टाटा ने एकदम धमाकेदार कर दिया है। एकदम एसयूवीज पे एसयूवीज, आप जो भी मर्जी चाहो, जो भी बजट में आप एसयूवी चाहो उस बजट में आपको एसयूवी मिलने वाली है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां आने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले जो गाड़ी आने वाली है वो है टाटा की तरफ से टाटा पंच। टाटा पंच आई सीएनजी आने वाली है और सीएनजी में आपको पता ही है कि इसमें क्या रेवोल्यूशन टाटा ने लाया है। एकदम ही अलग ही चेंज कर दिया है टाटा ने। है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आती है ये, और ड्यूअल सिलेंडर के साथ भाई जो बूट स्पेस का जो इशू था ना कि बूट स्पेस आपको नहीं मिलता था सीएनजी में, वो तो खत्म ही हो गया है। मतलब आपको इतना अच्छा बूट स्पेस टाटा ने ऑफर कर दिया है, मतलब पूरे इंडिया में कोई भी गाड़ी देख लो यार, इससे अच्छा जो बूट मैनेजमेंट है, स्पेस मैनेजमेंट है, आपको एक बूट मिल रहा है, यूजेबल बूट उस सीएनजी के साथ, और कंपनी फिटेड सीएनजी, ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी, मतलब अलग ही लेवल में कुछ कर दिया टाटा ने यहाँ पे। तो गाइस, अगर प्राइस की बात करें तो लगभग 8 लाख से आपको शुरू होते हुए दिख सकती है। लाइक एग्जैक्ट प्राइसिंग अभी तक तो नहीं आई है, बट अगर हम कंपेयर करें दूसरे सीएनजी प्रोडक्ट्स की टाटा की तरफ से तो लगभग 8 लाख से स्टार्ट हो सकती है। जो दूसरी और तीसरी गाड़ी टाटा की तरफ से आने वाली है वो है टाटा सफारी एंड हैरियर। तो दोनों ही गाड़ियों के फेसलिफ्ट आपको मिलने वाले हैं ये साल के एंड तक, और ये गाड़ियों के फेसलिफ्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस टाटा ने कर दिए हैं। इनकी जो फ्रंट की स्टाइलिंग है, फिर रियर की स्टाइलिंग और जो इंटीरियर है वो सब कुछ चेंज होने वाला है। जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो एकदम ही नए स्टाइल के अलॉय व्हील्स आपको मिलने वाले हैं फ्रंट से। इसकी जो लुक है बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाली है। इसकी बोनेट की शेप को देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है ये। अगर हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स का डिजाइन भी थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिल रहा है, थोड़ा सा टाटा कर्व से इंस्पायर्ड आपको लग रहा होगा ये डिजाइन। और गाइस, डीआरएल्स का डिजाइन भी आपको चेंज मिलने वाला है इसमें, और एक बहुत बड़ा चेंज जो आने वाला है वो है इसकी स्टेयरिंग में। तो आप स्टेयरिंग देख सकते हो कि रिसेंटली इसकी एक इमेज हमारे पास आई थी, और ये स्टेयरिंग की इमेज से आप पता लगा सकते हो कितना ज्यादा एडवांस होने वाला है ये स्टेयरिंग। एकदम ही टू स्पोक का स्टेयरिंग व्हील भी नहीं दिया है इन्होंने, मतलब एकदम ही हल्की गाड़ी लगे, एक एसयूवी लगने के लिए इन्होंने थोड़े से स्पोक्स बढ़ा दिए। काफी बड़ा सा स्टेयरिंग है, लेकिन जो डिजाइन है ओवरऑल वो वैसा ही है जैसे आपको नेक्सॉन में मिलने वाला है। और एक चीज जो इसमें मिलने वाली है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग व्हील। आपको पहले मिलता था हाइड्रोलिक स्टेयरिंग व्हील, और उसके वजह से आपके जो एडास के कुछ फीचर्स है जैसे कि लेन किप असिस्ट और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये आपको नहीं मिलते थे पहले सफारी और हैरियर में। तो आपको ये फीचर्स भी आपको मिलने वाले हैं क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग व्हील होने वाला है इसमें। जिनको भी टाटा सफारी और टाटा हैरियर पेट्रोल में चाहिए थे उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज टाटा ने लाया है वो है ये दोनों गाड़ियों के साथ आपको पेट्रोल इंजन भी मिलने वाला है। पेट्रोल इंजन कौन सा, जो कि टाटा ने ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल जो पावर बनाता है लगभग 170 bhp, और जो टॉर्क बनाता है वो है 270 न्यूटन मीटर्स के अराउंड। उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका प्रोडक्ट है, सबसे जो धमाकेदार गाड़ी ये लोग बेचते हैं, सबसे ज्यादा हिट गाड़ी वो है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन का भी फेसलिफ्ट आने वाला है और उसमें भी ढेर सारे चेंजेस मिलने वाले हैं आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर में। तो एक्सटीरियर में हम देख लेते हैं सबसे पहले, तो एक्सटीरियर में आप उसकी एलईडी डीआरएल्स देखो कि कितनी ज्यादा चेंज लग रही है, और टाटा कर्व से इंस्पायर्ड आपको लगने वाली है डीआरएल्स। और हेडलाइट का जो हाउसिंग है वो भी नीचे जा चुका है, ये मतलब जैसे पहले वाली नेक्सॉन थी काफी ऊपर थे हेडलाइट, वो अब नहीं रहेंगे, आपको जो हेडलाइट्स है वो काफी नीचे मिलेंगे और मोस्टली एलईडीज होने वाले हैं। और अगर हम पीछे की बात करें तो रियर में आपको दिख जाएगा कि आपको एक कनेक्टेड एलईडी लाइट मिल सकती है। अगर हम अलॉय व्हील्स की बात करें तो अलॉय व्हील्स का भी डिजाइन चेंज मिलने वाला है। इंटीरियर में अगर स्पेसिफिकली जाए तो इंटीरियर में आपको टू स्पोक का स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है, और उसमें आपको जो टाटा का लोगो है वो इल्यूमिनेटेड मिल सकता है, और आपको जो न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे दिख रहा होगा 10.25 इंचेस का बड़ा टच स्क्रीन आपको मिलने वाली है यहाँ पे, और जो गियर नॉब है उसका भी डिजाइन चेंज होने वाला है, एकदम लैंड रोवर से इंस्पायर्ड आपको गियर नॉब ये लगने वाला है। और एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है वो है ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलने वाला है, जो कि टाटा अल्ट्रोस में हमने देखा था, वो टाटा नेक्सॉन में भी टाटा ऑफर करते हुए दिख जाएगा। और टाटा नेक्सॉन का भी इंजन चेंज होने वाला है पेट्रोल में, टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल वाला इंजन है वो अपग्रेड होने वाला है, वो बनाने वाला है 125 bhp और 225 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है इसके पेट्रोल इंजन में। तो गाइस, अगर आखिरी गाड़ी की बात करें तो कौन सी वो पांचवी गाड़ी है, तो वो है पंच की ईवी, मतलब जिनको इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेसिफिकली लेना है तो उनके लिए टाटा पंच भी ऑप्शन एक मिलने वाली है, और इसकी प्राइसिंग आपको 11 लाख से शुरू होते हुए दिख जाएगी। गाइस, बहुत सारी गाड़ियां होने वाली है टाटा की ईवी लाइनअप में। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो अबाउट द 5 कार्स व्हिच आर अपकमिंग फ्रॉम टाटा। होप करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।